नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बार फिर बहाउद्दीन डागर साहब से। आप पिछले दो हिस्से में उनसे बातचीत सुन चुके हैं, उनका संगीत सुन चुके हैं। आज तीसरे हिस्से में एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड वाइड भी और भारत में भी, मतलब इसके इस सवाल के दो पक्ष हैं। भारत में रुद्रवीणा की स्थिति जो है वो कैसी आपको दिखती है, और वर्ल्ड वाइड कैसी स्थिति है, कितने लोगों का इंटरेस्ट है, किस तरह से ये परंपरा, ये साज जो है वो आगे बढ़ रहा है या और मजबूत हो रहा है संगीत की दुनिया में? ये एक्चुअली आप देखा जाए तो सबसे पहले ये साज विदेश में जाके मशहूर हुआ। बाहर के लोगों ने पहले इसे स्वीकारा, क्योंकि उनके ऑलरेडी पाश्चात्य संगीत था, सब कुछ था, इससे कुछ लोग तप चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि हम दुनिया भर में ढूंढते क्या है। सबसे पहले हिंदुस्तान से पंडित रविशंकर जी गए, जिन्होंने काफ़ी प्रचार किया हिंदुस्तानी संगीत का वहाँ पर, और वही एक दरवाज़ा खुल गया विदेश में सब लोगों को जाने के लिए। तो उसके चलते फिर उसके बाद 69 के दरमियान हमारे पिताजी वहाँ गए, और धीमे धीमे करते करते लोगों को सुनाते सुनाते ऑडियंस बनाई, कुछ लोगों ने वहाँ पर सीखा भी। और ये 1986-87 तक काफ़ी वहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में इसका काफ़ी प्रचलन रहा। हिंदुस्तान में उस समय गिन के एक हाथ दो स्टूडेंट थे। जब पिताजी गुजर गए और 1990 में, उसके कुछ 7-8 साल के बाद हिंदुस्तान में इसकी रुचि शुरुआत हुई, और आज आई थिंक काफ़ी अच्छा है हिंदुस्तान में। काफ़ी जैसे पहले देखिए, वीणा बनाने वाले भी एक आध दो आदमी रहते थे। अभी तो वीणा बनाने के लिए मंगरा प्रसाद जी है कलकत्ता में, एक कार्स्टन विके करके एक जर्मन लड़का है कलकत्ता में, तारकनाथ जी थे बनारस में, उनका भी जो नेफ्यू है वो बना रहा है, फिर एक बड़ौदा में और एक है वो भी वीणा बना रहे, मिरज में बना रहे, अभी और एक लड़का है जो रत्नागिरी से वो बना रहा है। और गए 3 साल में आप समझिए कम से कम 15 से 20 वीणाएं बिक चुकी है, जो कि कनैलाल ने हमारे पिताजी के समय 27 वीणा बेची थी 15-20 साल में। तो अब इसका लोगों की रुचि इसकी ओर मोड़ रही है, लोग वीणा को बजाना चाह रहे हैं, कुछ लोग वीणा बना भी रहे हैं। स्पेन में एक लड़का है, उसने अपने हाथ से वीणा बनाई, एक जर्मनी में को ही, उन्होंने भी अपने हाथ से वीणा बनाई। तो ये अभी ये दृश्य बदल गया है, अभी लोगों को इसके प्रति, इसके साउंड के प्रति, और एक क्योंकि एक अलग किस्म का संगीत है इसमें, ये कोई इस पे ज़्यादा आप तेज़ी से बजाते नहीं हो, एक विलंबित अंग से बजा रहे हो, और उसमें एक एक्सप्लोरेशन की जो संभावना है वो लोगों को समझ में आ रही थी। तो इसके प्रति अभी ज़्यादा हिंदुस्तान में बहुत रुचि हो रही है। अभी बच्चे सीखने आ रहे हैं, कुछ 4-5 बच्चे हैं वो सीखने आ रहे हैं। तो आई थिंक आगे चल के इसका भविष्य इन सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें से कौन बच्चा वाकई में कर पाएगा ये देखना चाहिए। क्योंकि वीणा वादक भी अभी काफ़ी है हमारे पास हिंदुस्तान में, ज्योति हेगड़े जी है, फिर बम्बई में सुवीर मिश्रा जी है, दिल्ली में शमशुद्दीन फरीदी देसाई के बेटे हैं जैद फरीदी देसाई है, फिर असद अली खां साहब के भांजे हैं, तो और ये कार्स्टन है कलकत्ता से, और भी एक दो वीणा, और भी 2-3 वीणा वादक और है, और ये बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है अभी हिंदुस्तान में। तो ये अच्छी एक हिसाब से ये अच्छी चीज है, सुकून देने वाली बात है। क्योंकि अक्सर कहा यही जाता है कि चूंकि संगीत के प्राचीन शैलियों में से ये सारी चीजें हैं, इसलिए विलंबित में ज्यादा होता है, बहुत तेज तैयारी जैसी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए कई बार बोरिंग होने का भी स्टैंप लग जाता है कि नहीं भैया बहुत पेशेंस हो तभी बैठ के सुनना, वरना समझ में भी नहीं आएगा और बहुत पेशेंस चाहिए। तो अच्छी बात है कि नई पीढ़ी आ रही है, नए कलाकार हैं, और ये अवेयरनेस एक बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसी पॉजिटिव नोट पे इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, लेकिन इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक गुजारिश यही करूंगा कि अभी तक तो दो गुजारिश मैंने कर दी थी, भक्ति रचना की और राग की, इस बार आपसे गुजारिश करेंगे कि जो चीज आप हमें सुनाना चाहें
वो हमें सुनाएं, और उसके बाद हम आपको ना सिर्फ शुक्रिया कहेंगे बल्कि अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे कि जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप सिखा रहे हैं, उनके जरिए इस साज का और विस्तार हो, इस कला का और विस्तार हो। तो एक चीज जो आपके दिल के करीब हो जरूर सुनाएंगे। अब मैं आपके सामने रात का राग मालकोस बजाता हूं।
तो उस्ताद जी आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा मैंने कहा था ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका सफर यूं ही और मजबूत होता रहे, और आपके साथ साथ इस सांस का सफर, इस सांस का की जो जगह है वो और ज्यादा मजबूत होती रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।